बैकअप रिस्टोर डेटा। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम डेटा बैकअप और रिस्टोर करने के बारे में जानेंगे। डेटा का बैकअप लेना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी भी समय डेटा में कोई करप्शन होती है या फिर आपसे कुछ गलत एंट्री सेंटर हो जाती हैं, तो आप लास्ट सेफ डेटा कॉपी यानी कि लास्ट बैकअप से उसे रिप्लेस कर सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। डेटा का बैकअप लेना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस आपको पीसी में बैकअप ऑप्शन यूज़ करनी है और पाथ बताना है जहाँ पर कि डेटा की बैकअप कॉपी क्रिएट करी जाएगी। इसके बाद ऑटोमेटिकली डेटा कॉपी उस पाथ पर क्रिएट हो जाएगी। बैकअप लेने के लिए कंपनी मेन्यू में बैकअप डेटा ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑप्शन क्लिक करने पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड विंडो ओपन होगी, जिसमें कि आप एक ऑथराइज्ड यूज़र नेम और पासवर्ड बताएंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेट होने पर बैकअप विंडो ओपन होगी, जिसमें कि आप नॉर्मल बैकअप ले सकते हैं, यानी कि किसी लोकल डिवाइस पर, अपने कंप्यूटर पर या फिर किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव, सीडी पर बैकअप ले सकते हैं, या फिर आप एफटीपी बैकअप ले सकते हैं, जो कि एक रिमोट सर्वर पर या ऑनलाइन सर्वर पर बैकअप लिया जाएगा। इसमें आप सर्वर का नाम और फोल्डर बता सकते हैं जहाँ पर कि बैकअप कॉपी क्रिएट होगी। यहाँ पर हम नॉर्मल बैकअप लेंगे। नॉर्मल बैकअप लेने में आपको सबसे पहले डेटा का पाथ बताना है जहाँ पर कि बैकअप कॉपी क्रिएट करी जाएगी। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करिए कि आपको किसी एक फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना है या सभी फाइनेंशियल ईयर्स का। ओके बटन प्रेस करते ही डेटा का बैकअप बताए हुए पाथ पर क्रिएट हो जाएगा। यदि आप बैकअप कॉपी को यूज़ करना चाहते हैं, तो कंपनी मेन्यू में रीस्टोर ऑप्शन यूज़ करके डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर ऑप्शन क्लिक करने पर आप पाथ बताएंगे जहां से डेटा को कॉपी करना है और ओके बटन प्रेस कीजिए। क्योंकि इस पाथ पर डेटा ऑलरेडी पड़ा है, तो बिजी आपसे पूछेगा कि उस डेटा को ओवरराइट करना है या फिर नई कॉपी क्रिएट करनी है। यदि आप डेटा ओवरराइट करते हैं, तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड बताना होगा उस कंपनी के लिए। यूज़र नेम और पासवर्ड बताने पर ही डेटा को ओवरराइट किया जाएगा। यदि आप डेटा ओवरराइट नहीं करते हैं, तो एक नई कंपनी इसी कंपनी के नाम से क्रिएट हो जाएगी, जिसमें कि करंट सिस्टम डेट अपेंड कर दी जाएगी दोनों कंपनीज को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हम एक कंपनी ओपन करेंगे। इस कंपनी में हम यह बताएंगे कि आप डिफरेंट यूज़र्स को भी डेटा बैकअप के राइट्स दे सकते हैं। इसके लिए यूज़र्स ऑप्शन पर क्लिक करिए और कोई यूज़र सिलेक्ट करिए। इस यूज़र में अलाउ डेटा बैकअप ऑप्शन को आप येस या नो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र को डेटा बैकअप के राइट्स नहीं दिए हैं, इसका मतलब यह यूज़र इस कंपनी का डेटा बैकअप नहीं ले सकता है। आप चाहें तो किसी यूज़र को डेटा बैकअप के राइट्स दे भी सकते हैं इस ऑप्शन को येस करके। बैकअप प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बैकअप कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन बिजी में प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर सिलेक्ट करिए। गेन यहाँ पे आप नॉर्मल बैकअप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एफटीपी बैकअप की ऑप्शंस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नॉर्मल बैकअप के केस में आप फोल्डर्स बता सकते हैं वीक डेज वाइज, जिस पे कि उस दिन के हिसाब से बैकअप लिया जाएगा। जैसे यदि आप मंडे को बैकअप ले रहे हैं, तो डायरेक्टली बैकअप मंडे फोल्डर में जाएगा। फ्राइडे को बैकअप ले रहे हैं, तो डायरेक्टली बैकअप फ्राइडे फोल्डर में जाएगा। आपको बार बार डेटा पाथ बताने की ज़रूरत नहीं है। एफटीपी बैकअप के केस में आप सर्वर का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड और सर्वर पर पड़े फोल्डर्स का नाम बता सकते हैं, जिनमें कि वीक डेज वाइज बैकअप लिया जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन नीचे दी गई है, प्रॉम्प्ट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। इस ऑप्शन को येस करने पर जब भी आप कंपनी क्लोज करेंगे, तो आपको एक रिमाइंडर मैसेज आएगा बैकअप लेने के लिए। इसके अलावा एक ऑप्शन है एनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। यदि आप इस ऑप्शन को येस पे सेट करते हैं, तो आप कंपनी का बैकअप लिए बिना कंपनी को क्लोज नहीं कर सकते। मतलब इट इज़ कंपल्सरी टू टेक बैकअप, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू क्लोज द कंपनी।
देखिए यहाँ पे हमने कंपनी क्लोज करी तो बिजी ने एक रिमाइंडर मैसेज दिया बैकअप लेने के लिए। यदि आप यस बटन प्रेस करते हैं तो बैकअप विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे कि आप बैकअप ले सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। होप आपको बैकअप रिस्टोर का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।